अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं आपके साथ बात करूंगी, अगर आप रेमेडीज़ यूज़ करते हैं और आपको अपनी स्किन टाइम के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए इसे एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ जो है वो शेयर की जा रही है और आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है आप उसके लिए जो है सबसे पहले यूट्यूब पर जो है वो सर्च करते हो रेमेडीज़, और कोई भी रेमेडी आप यूज़ कर लेते हो। बिलीव मी, इट्स नॉट सेफ फॉर योर स्किन। जिस तरह की हमारी आजकल जो भी सारी रूटीन चल रही होती है इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप किसी भी इंग्रेडिएंट के बारे में जाने बगैर आप उसे जो है वो यूज़ कर लें। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेंगे स्किन टाइप के बारे में। अगर आपको अपनी स्किन टाइप का नहीं पता तो आपके लिए कोई भी रेमेडी यूज़ करना सेफ नहीं है। अगर आप देखें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, नॉर्मल है, पैची है, किस तरह की स्किन है। मोस्टली जो है वो स्किन टाइप जो है वो 5 तरह की होती है। नॉर्मली जो है वो नॉर्मल स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, कॉम्बिनेशन, और ऑयली स्किन होती है। पाकिस्तान में जो है नॉर्मल स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा कम लोगों की होती है। मोस्टली जो है कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन दोनों को जो है वो एक ही समझा जाने लगा है। लेकिन जो है आपकी रेमेडीज़, यानी कि अगर आप लेमन यूज़ करते हैं या टमाटो पेस्ट यूज़ करते हैं टमाटो, तो फिर वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। नेट पे आजकल बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं जिनके बारे में उनको ख़ुद भी नहीं पता होता कि क्या वो सेफ़ है या नहीं है। कहीं आपको जो है वो किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑयल का यूज़ करने के लिए फेस पर बोल दिया जाता है, कहीं पर आपको कुछ भी, तो वो आप ट्राई मत किया करें। इस तरह जब तक कि आप उसको अच्छी तरह जान ना लें, जब तक कि आपको उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज ना हो। तो आज हम बात कर लेते हैं स्किन टाइप के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन जो है वो पूरी इवन टोन है, आपको कहीं पे ऑयल नहीं आता, आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, आपकी स्किन पे पैचेस नहीं है, आपकी स्किन सॉफ्ट है, नॉर्मल है, तो वो आपकी स्किन नॉर्मल ही है, यानी उसमें आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिर आपकी स्किन नॉर्मल है और आपको बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस सूरत में, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो। अगर आप अपनी स्किन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी बहुत रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। नंबर 2, अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, आपके ये वाली ये जगह जो है बहुत ज़्यादा खिंची खिंची सी है चीक्स पे, या टी जोन या सी जोन। अच्छा, टी जोन जो है वो इस एरिया को टी जोन कहते हैं और इस एरिया को सी जोन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके जो है सी जोन भी ड्राई है, आपकी जो टी जोन है वो भी ड्राई है, काफ़ी खिंचा खिंचा सा रहता है, ख़ारिश सी फील होती है, तो आपकी स्किन जो है वो ड्राई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कोई भी कॉस्मेटिक या रेमेडी जो है बगैर नॉलेज के यूज़ नहीं करनी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने जो सिट्रिक एसिड फ्रूट्स है, लेमन है, ऑरेंज है, उसे तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब आ जाते हैं हम तीसरी टाइप पे। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आपको ऑयली फील होगा आपकी स्किन। आप जैसे फेस वॉश करके आएंगे, आपकी स्किन थोड़ी देर बाद ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। असल में हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड हमारी स्किन के अंदर होते हैं वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और ऑयल प्रोड्यूस की वजह से हमारे ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे ऑयल आना शुरू हो जाता है, हमारे ये एरियाज़ में ऑयल आना शुरू हो जाता है। आपकी नोज़ बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैक हेड और वाइट हेड से भरी हुई है, तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली है तो पूरे फेस पे ऑयल है। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आपके इन सारे एरिया पे ऑयल आता है। इवन आप जब मेकअप करते हैं उसके थोड़ी देर बाद आप देखें आपकी स्किन पे ऑयल आना शुरू हो जाता है, और आप समझते हैं कि इसमें फाउंडेशन का कसूर है, जबकि इसमें आपकी चॉइस का कसूर होता है कि आपने सही चॉइस नहीं की होती। तो फिर अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो फिर आपको बहुत सोच समझ के रेमेडीज यूज़ करनी चाहिए, और कॉस्मेटिक भी आपके लिए स्पेशल होते हैं जो कि ऑयली स्किन के लिए होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन हो गई। तो ये दोस्तों जो हमारी कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो जो है वो बहुत ज़्यादा, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है वो तो ऑयली और ड्राई स्किन को मिलाकर जो स्किन बनती है उसे हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं।
मोस्टली जो है वो टी जोन ड्राई होता है या टी जोन ऑयली होता है, तो सी जोन ड्राई होता है या टी जो है सी जोन वो ऑयली होता है, तो उसे हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन स्किन जो है उस पर आप जो है वो ऑयली और नॉर्मल स्किन के तौर पे जो है वो आप मोस्टली वो चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हो जो आप नॉर्मल स्किन पे यूज़ करते हो, उसके लिए रेमेडीज़ भी जो है वो स्पेशली होती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरह से रेमेडीज़ यूज़ ना किया करें, क्योंकि ये बेकिंग सोडा, लेमन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है विनेगर वगैरह जो है आपकी स्किन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए सेफ नहीं होते, जो कि हर टाइप के लिए सेफ नहीं होते, और उनको यूज़ करने से आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब जो है बात कर लेते हैं हम साथ में जो है सेंसिटिव स्किन के बारे में। दोस्तों जो सेंसिटिव स्किन होती है उस पर तो रेमेडीज़ यूज़ करना बहुत ही नाजुक मामला है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वो होती है जो कि पिंपल से भरी भी होती है या तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है तो आपकी स्किन सेंसिटिव है। अगर कोई कॉस्मेटिक आप यूज़ करते हो, आपकी स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं, आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ करते हो जिससे आपकी स्किन पे जो है अगर इवन फेस वॉश या फिर कोई सोप यूज़ करने से भी आपकी स्किन रिएक्ट कर जाती है, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है। मोस्टली जो है आप देखें जो हम चावल का आटा यूज़ कर रहे होते हैं, हर किसी को सूट नहीं करता। मैंने ऐसे नेट पे बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ देखी हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि सिर्फ आप चावल का आटा लेके अपने फेस पे अप्लाई कर लें, लेकिन चावल का आटा आपके फेस को इतना ज़्यादा ड्राई कर देता है, उसके बाद अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र भी लगाते हो तो वो भी आपकी स्किन पर रिएक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आज का नॉलेज था यही कि मैं आपको बताऊं कि आपकी स्किन टाइप के बारे में, कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। सेंसिटिव स्किन जो है उस पर जो है पिंपल्स अगर है तो आपकी सेंसिटिव स्किन है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोड्यूस करती है आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर कोई भी कॉस्मेटिक फेस वॉश सोप या किसी भी चीज़ से आपकी स्किन रिएक्ट कर जाती है, छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव है। सेंसिटिव स्किन की सूरत में आपने बहुत ही एहतियात करना है। दोस्तों स्किन को अच्छा करने के लिए, आपकी स्किन को अच्छा बनाने के लिए चंद बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले तो आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, चाहे आपकी स्किन टाइप कोई भी क्यों ना हो। पानी हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, ड्राई नहीं होने देता और आपकी जो है नॉर्मल कॉम्बिनेशन और हर तरह की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपने दिन में जो है 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। अब तो वैसे भी गर्मी है तो आप इससे ज़्यादा भी पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी स्किन की क्लिनजिंग करनी है जिससे आपकी स्किन जो है वो साफ़ रहेगी, डर्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा या फिर ड्राई भी नहीं रहेगी। जैसे वैसे भी गर्मियां हैं तो ड्राई स्किन तो अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपको स्वेटिंग होती है, आपकी स्किन नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो है वो मौसमी हालात को देखते हुए आप प्रोडक्ट यूज़ किया करें। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, पानी ज़्यादा पिए और अपनी स्किन का ख्याल रखें और सही रेमेडी यूज़ करें। नेट पे आने वाली हर रेमेडी को बिल्कुल यूज़ ना करें और जिसके बारे में आपको नॉलेज हो वही यूज़ करें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगी एक नई वीडियो में, और किस तरह से आपने कॉस्मेटिक चूज़ करना है उसके बारे में भी बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।